हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑल न्यू बजाज पल्सर F250 के बारे में। N220 पल्सर फिर से क्या लॉन्च होने वाली है, सारा डिटेल से देंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। इससे पहले हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 220 पल्सर के बारे में। तो 220 पल्सर फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च हो रही है, ये खुशी की बात है। 2023 तक में बताया जा रहा है कि ये बाइक फिर से रीलॉन्च करेगी। अब क्यों रीलॉन्च करेगी बजाज वालों का जहाँ तक कहना है कि फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि बजाज ने इस बाइक को क्लोज कर दिया था और उसके बदले में F250 को रिकमेंड किया था। तो F250 का जो सेल फिगर है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है 220 पल्सर के जगह पर। 220 पल्सर का जहाँ तक सेल फिगर अगर 20% है तो F250 का फ्रेंड्स 10% है। तो कहीं ना कहीं 50% का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है सेल फिगर की अगर बात की जाए तो। बजाज पल्सर का 220 पल्सर का जो सेल फिगर था फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा था, और F250 का 220 के जगह पर उतना खास नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था 220 पल्सर के बारे में, मैंने रिव्यू किया था उस वक्त, ये बाइक थी 2020 में रिव्यू किया था, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था उस वक्त से। अभी तक उस वीडियो में कमेंट आ रहा है कि भाई ये बाइक कहाँ मिलेगी, ये बाइक कहाँ मिलेगी। आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को, और उस वीडियो के नीचे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि 220 मुझे लेना है। तो आप लोगों को मुझे पता है कि आप लोगों के दिल में ये बाइक मतलब कितना राज करती है, और ज़बरदस्त बाइक है। क्योंकि इस बाइक का जो लवर है ना इंडियन मार्केट में, मैं ये तो ये भी कहता हूँ कि विदेशों में भी ये इस बाइक का जो लवर है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अपाची और जो बजाज पल्सर 150 है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा 220 पल्सर का लवर है। क्योंकि ये बाइक स्टंट करने में और मॉडिफाई करने में और लुक और डिज़ाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। और फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये बाइक अगर फिर से रीलॉन्च करेगी तो क्या कुछ फीचर्स भी इसमें ऐड करेंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, फीचर के बारे में LED का हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि पहले आपको मिलता था हेलोजन का, बट आपको मिलेगा LED DRL, LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर लाइट का यूज करेगा, बैकलाइट भी आपको LED देखने को मिलेगा। इंजन पावर भी जहाँ तक मुझे ये लगता है कि इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और माइलेज आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन पावर, डिज़ाइन, लुक और कलर ऑप्शन काफ़ी धमाकेदार के साथ आएगी। तो फ्रेंड्स, आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो भी बाइक का वीडियो, थोड़ा सा मिस हो जाता हूँ मैं इधर उधर, वो भी बाइक का वीडियो जैसे इंडिया में लॉन्च होगी तो मैं आपको अपडेट दे पाऊँगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, और प्राइस होने वाला है फ्रेंड्स, प्राइस वही आपको 2 लाख के अप्रॉक्सिम होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।